बच्चों देखिए, अभी हम लोग मृदा के बारे में काफी कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं कि सॉइल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका। जानते हैं मृदा परिच्छेदिका क्या होती है? अगर हम भूमि को या मृदा को वर्टिकल सेक्शन में यानी ऊर्ध्वाधर अवस्था में अगर ऊपर से नीचे तक उसको अगर हम काटते हैं किसी धारदार हथियार से, तो देखिए उसमें कई परतें, पतली पतली परतें दिखाई देती हैं। तो हमारी जो ऊपर से नीचे तक ऊर्ध्वाधर जो कटान होती है, तमाम प्रकार की परत पाई जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मृदा परिच्छेदिका या सॉयल प्रोफाइल के नाम से जानते हैं। अगर आप मिट्टी कटने के बाद देखिए तो उसमें पतली पतली अलग अलग रंग की इसमें परतें दिखाई देती हैं। उस परतों को हम संस्तर या इंग्लिश में होराइजन के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं कि हमको फसलें पैदा करने के लिए मिट्टी कितनी गहराई तक? करीब 9 से 12 इंच तक लग सकती हमारी जो होती फसलों की जड़ें जाती हैं। तो जो संस्तर होते हैं उसके बारे में हम जानते हैं, विशेषता क्या होती है इसमें? मुख्य रूप से जो हमारी प्रोफाइल है उसमें तीन संस्तर पाई जाती है। एक होता है अ और ब, अ होता है, ब होता है और स, ये तीन संस्तरें होती हैं। और अ और ब संस्तर को मिला करके हम सोलम कहते हैं। एक टर्म होता है सोलम, जब ए प्लस बी दोनों को मिला देंगे सोलम होता है। तो अ संस्तर में क्या होती है, उसकी क्या विशेषता होती है हम लोग जान लेते हैं। अ संस्तर में जो होता है उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बहुत अधिक होती है। और इसमें भी तीन संस्तरें होती हैं, ए डबल जीरो, ए सिंगल जीरो और ए वन, ए टू, ए थ्री। तो इसमें जो होती है सबसे ऊपर होता है हमारा जो कार्बनिक पदार्थ होता है। जानते हैं कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, आपको बता चुके हैं पिछले क्लासों में बता चुके हैं कार्बनिक पदार्थ क्या होता है। जब हम वनस्पतियां और जीव जंतु के सड़ने के बाद जो कुछ पदार्थ बनता है उसको हम क्या कहते हैं? कार्बनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक मैटर। तो जो ऊपर का परत होता है, असंस्तर होता है, उसमें कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। जानते हैं कि फसलों के लिए कार्बनिक पदार्थ बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, उसमें तमाम पोषक तत्व पाए जाते हैं कि हमारे कार्बनिक पदार्थ असंस्तर में होगी। अगर हम लोग उसके नीचे आते हैं तो उसमें एल्युमिनियम के और कैल्शियम के और सिलिका के तमाम ऑक्साइड पाए जाते हैं। इसको हम निछालन जोन के नाम से भी जानते हैं। जो ऊपर के जो तमाम तत्व होते हैं वो लीच करके यानी निछालित होकर के ऊपर से नीचे के परत में चले जाते हैं, बी जोन में आ जाते हैं। तो हमारे ए जोन को हम लोग इलुविएशन, ELUVITION, इलुविएशन जोन के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो होती है हमारी फसलें ज्यादातर देखिए ऊपर का हिस्सा ही आता है, लेकिन हमारी जो मेन जड़ होती है वो बी होराइजन में आती है। बी होराइजन आप जानते हैं क्या है कि बी होराइजन हमारा जो होता है जो ए होराइजन से जो कुछ लीच करके मिट्टी के कण और तमाम जो होते हैं हमारे मिनरल्स होते हैं, उसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड है, सिलिका ऑक्साइड है, ये जो कुछ लवण होते हैं वहां से लीच करके हमारे बी होराइजन में नीचे के पोर्शन में आ जाते हैं। तो जो हमारे एक्युमुलेशन, इसको कहते हैं इलुविएशन, ELUVITION, इलुविएशन के नाम से जानते हैं या निक्षेपित जोन के नाम से भी जानते हैं। तो ज्यादातर हमारी जो फसलें होती हैं इन्हीं लेयर में, इसी जोन में, इसी संस्तर में ही ज्यादातर विकसित होती हैं। तो हमारी जो सी संस्तर होती है, सी टाइप संस्तर, उसमें क्या होता है कि बेडरॉक होता है, यानी जानते हमारी मिट्टी कैसे बनी हुई है, जो हमारी चट्टान होते हैं उसमें भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाओं के टूटने फूटने के कारण हमारी मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो जो हमारा सबसे नीचे का स्तर होता है सी होराइजन होता है, उसमें क्या जो चट्टान का निचला हिस्सा होता है, देखिए बोल्डर होते हैं, पत्थर के, कंकड़ के बड़े बड़े कण होते हैं, तो हमारे खेती के लिए यूजफुल नहीं होती है, वो बेकार की होती है। लेकिन सबसे बेस का होता है उसको हम लोग बेडरॉक के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग पढ़ लिए मृदा परिच्छेदिका सॉइल प्रोफाइल के बारे में, सॉइल संस्तर के बारे में, यानी सॉइल प्रोफाइल में कितने संस्तर होते हैं, ए बी और सी, उसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में पढ़ लिए। अगर आप लोगों को कोई चीज़ सस्पेंस हो रही, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो ये वीडियो देखने के बाद आप हमारे पास फोन करिएगा, इस ग्रुप पर आप लोग डालिएगा, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। इसके बाद भी मैं आप लोगों को कुछ मैटर लिख करके इसके बारे में सॉइल परिच्छेदिका का चित्र बना करके कल मैं इस वीडियो पर, इस पर डालूंगा आपके ग्रुप पर, आप लोग वीडियो भी देखिएगा और उसके बाद उसको नोट्स बना लीजिए अपने कॉपी में। जब विद्यालय खुलेगा तो हम लोग फिर इस पर डिस्कस करेंगे। अभी से आप लोग तैयार कर चलिए, क्योंकि आप लोग बोर्ड का एग्जाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आ भी जाता कौन निछाली जोन होती है, कौन निक्षेपित जोन होती है, जिसमें सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पाई जाती है। तो आप परीक्षाओं में कहीं कहीं घुमाकर एक दो क्वेश्चन जरूर रहते हैं, इसलिए आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग क्लास में मिलेंगे अगले वीडियो और मैटर के साथ में। ठीक है, ओके, धन्यवाद।